साथियों, सेंगोल के साथ साथ संसद भवन का सफ़र भी हम लोग जान लें। 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनाट ने संसद भवन की आधारशिला रखी थी, जिसे उस समय काउंसिल हाउस कहा जाता था। 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया। 19 जनवरी 1927 केंद्रीय विधानसभा के तीसरे सत्र की पहली बैठक हुई और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई और 15 अगस्त 1947 संविधान सभा के मध्य रात्रि सत्र में सत्ता का हस्तांतरण हुआ। तो ये है संसद भवन का सफ़र और अब नए संसद भवन का निर्माण हो चुका है। इसी में 11 मई 13 मई 1952 दोनों सदनों की बैठक हुई। 3 अगस्त 1970 को राष्ट्रपति वी वी गिरी ने संसद एनेक्सी की आधारशिला रखी। 24 अक्टूबर 1975 तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया। 15 अगस्त 1987 तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने पुस्तकालय की आधारशिला रखी। 7 मई 2002 तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायण ने संसद के पुस्तकालय भवन का उद्घाटन किया और 31 जुलाई 2017 पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद एनेक्सी एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। तो ये था संसद भवन का सफ़र।